मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। बात अब जनपद बांदा की। बांदा में देर शाम को फल विक्रेता से पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में युवकों ने अवैध असलहे से फायरिंग कर दी, जिससे वहां खड़े राहगीर के पैर में गोली लग गई। स्थानीय लोगों ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। भीड़ ने फायरिंग करने वाले युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। युवक के पास से पुलिस ने एक 32 बोर का अवैध असलहा बरामद किया है। वहीं घायल युवक का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। आपको बता दें कि मामला शहर कोतवाली के मंडी समिति गेट पर स्थित फल की दुकान का है, जहां देहात कोतवाली के महोखर गांव के निवासी दो युवक फल लेने आए और फल लेकर चले गए। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों युवक फल विक्रेता के पास वापस आए और फल विक्रेता से पैसे के लेन देन को लेकर उससे विवाद करने लगे। मामला इतना बढ़ गया कि युवकों ने गाड़ी में रखा अवैध असलहा निकाला और फायरिंग कर दी, जिससे पास खड़े युवक के पैर में गोली लग गई। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे और फायरिंग करने वाले युवकों को पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें एक युवक को भीड़ ने पकड़ लिया। तो उसने जमीन में फायर मार के जैसे छात्र मेरे फायर लग गया। ये जानते हो किसी को? नहीं, हमने किसी को। अच्छा, कहाँ गए? ये नहीं बोलो। ये बोलो महोबर गए हैं, बाद में पता चला। महोबर गए हैं तो किस बात को लेकर विवाद हुआ था? अरे 20 रुपये पूछे अपन पास कर रहे थे फल वाले से। कहाँ पे फल की दुकान लगी? ये इंदिरा पटेल मुझे सामने है। तो जो छवे लग गए आपको, कोई घायल हुआ? तो इसके अलावा कोई घायल हुआ? नहीं नहीं, कोई नहीं। आप किसी सूचना पुलिस को दिया? पुलिस आएगी? हाँ, पुलिस अभी गिरफ्तार भी कर लिया है। आप कहाँ रहते हैं? थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत मंडी समिति के सामने गोली चलने की घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत मंडी समिति के सामने रल्लो देवी फल की दुकान लगाती है, उसी दुकान पर दो लड़के विकास सिंह एवं विपिन तिवारी निवासी महोकर थाना कोतवाली देहात स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से आए और सेब लेकर चले गए। कुछ समय बाद लौट कर आए और पैसे के लेन देन के पीछे विवाद करने लगे। उसी समय वहां पर ओम प्रकाश राजपूत निवासी महादेव पेट्रोल पंप के पीछे बांदा आ गए और खड़े हो गए। विवाद बढ़ता देख विकास सिंह के द्वारा 32 बोर तमंचा निकालकर नीचे की तरफ फायर किया गया। गोली मोटरसाइकिल पर खड़े ओम प्रकाश राजपूत के पैर की उंगली को टच करते हुए निकल गई। विकास सिंह को तत्काल मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध 32 बोर तमंचा तथा एक जिंदा कारतूस बरामद कर लिया गया है। विपिन तिवारी की गिरफ्तारी हेतु दबिश जारी है, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।